तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ़ोटो से जो है रील्स वीडियो बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप चाहें तो अपना फ़ोटो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो या फिर किसी के भी फ़ोटो को जो है यूज करके किस तरीके से इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना सकते हैं जिसमें जो है गाना भी ऐड होगा, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अपने फ़ोटो से जो है रील्स बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से और एकदम सही तरीके से बताऊँगा कि ये आप जो है किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आपको जो है बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, जिससे जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपसे आपको जो है इस वीडियो से बहुत कुछ जो सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना ताकि आपको जो सब कुछ जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जो है इंस्टाग्राम पर अपने फोटो से जो है रील्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर प्लस वाला सिंबल दिखाई देता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्लस वाला सिंबल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नीचे जो रील्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा थर्ड नंबर पर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद स्टार्ट न्यू वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आप एक न्यू रील जो है बना सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप यहाँ से रील्स वीडियो बना सकते हैं। अगर आप अपने फोटो से जो है रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो गैलरी में जितना भी फोटो होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप जिस भी फोटो से जो है रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं, एक फोटो या फिर दो फोटो या फिर तीन या फिर चार, आप जितने फोटो से रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के लिए एक एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक फोटो जो है सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आप अपने उसके बाद जो है आपको करना है। तो आपको सिंपल से ये वाला फोटो को जो सिलेक्ट कर लेना है, एक फोटो को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो है फोटो का जो लेंथ जो है यहाँ पर दिखा रहा है नीचे, यहाँ पर आप जितना भी सेकंड का रखना चाहते हैं लेंथ यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर 5 सेकंड का ही सिर्फ रहेगा, तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ 2 सेकंड का या फिर 2 सेकंड का रख देता हूँ। उसके बाद जो सिंपल से आपको ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपका जो एक फ़ोटो जो है ऐड हो गया है, और आपको जो है 2, 3 या फिर 4 जो है और फोटो ऐड करना है। और फोटो को ऐड करने के लिए सिंपल से वही प्रोसेस अपनाना होगा। यहाँ पर आपको और एक फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल से फिर से ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो है रील्स जो है आधा में यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर आपको जो है और एक दो जो है फोटो को ऐड करके मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये फोटो को चूज कर लेना है। चूज कर लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पर लेंस जो है थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और एक फोटो जो है ऐड करना है, और एक फोटो ऐड करने के लिए ये वाला फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका जो रील्स में जितना ही फोटो होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आपका जो रील 15 सेकंड का इंस्टाग्राम पर रील रहता है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और एक एक करके जो आपका फोटो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको जो है यहाँ पर और एक काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पर आपको जो है गाना ऐड करना है, सॉन्ग ऐड करना है। गाना ऐड करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो सिंबल दिखाई देता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा कुछ जो है गाना आ जाएगा, और जिस भी गाने को आप अपना रील्स में ऐड करना चाहते हैं जिससे जो है वो थोड़ा सा सुंदर लगे तो उस गाने को आपको सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये गाना जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साउंड कम कर देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे जो है आप जो जिस भी पार्ट को जो है गाना का जिस भी पार्ट को लगाना चाहते हैं या फिर जिस भी लिरिक्स को लगाना चाहते हैं यहाँ से जो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो अच्छे से देख लेना, मैं अगर ज़्यादा बताऊँगा तो आप वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है ये पार्ट जो लगाकर डाउन पर क्लिक करना है। डाउन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाना जो है हमारा फोटो में जो है लग जाएगा। लग जाने के बाद आपको क्या करना है, और एक चीज़ करना है अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। ये डबल ए पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है ऐड कर देना है। और यहाँ पर आप जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ जो एनिमेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद डाउन पर क्लिक करना है और हमारा जो गाना है वो ऐड हो गया, और यहाँ पर जो फोटो भी है यहाँ पर फोटो भी जो है ऐड हो गया। तो यहाँ पर आपको जो अगर आप GIF जो है यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप GIF को जो है यूज कर सकते हैं, जो भी आप
चाहें तो यहाँ पर GIF पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी GIF आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है GIF के ऊपर, और ये जो GIF है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं और एक बार देख देता हूँ कि हमारा जो गाना है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से सॉन्ग वाले सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको और एक जो है गाना जो है ऐड कर लेना है। उसके बाद डाउन पर क्लिक करना है। डाउन पर क्लिक करने के बाद गाना जो है ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद तो आपको क्या करना है, उसके बाद जो है अगर आप इसमें इफेक्ट भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो है इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इफेक्ट यूज नहीं करूँगा, बनना जो है बहुत ही लेट हो जाएगी वीडियो, तो यहाँ पर इफेक्ट को यूज करना है। और अगर आप यहाँ पर कुछ जो है स्क्रैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रैच भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद न्यू रील्स वाला जो है एक आपको जो है सेक्शन जो है ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, आप अपना जो वीडियो का कैप्शन है यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर शेयर रील्स का ऑप्शन दिखाई देता है, ये जो है आपका इनेबल होगा। और यहाँ पर अगर आप टैग करना चाहते हैं किसी भी फ्रेंड को तो टैग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऐड लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन भी ऐड हो जाएगा। अगर आप ये रील जो फेसबुक आपका जो फेसबुक अकाउंट है इसको भी रिकमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप इस रील का जो क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको जो है अपलोड हाई क्वालिटी पर इसको जो इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपको जो सिंपल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रील है वो शेयर होना शुरू हो जाएगा। शेयर होने के बाद जो है आपका जो रील्स वीडियो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम पर अपने फोटो से जो है रील्स वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है रील्स वीडियो जो है आ गया है यहाँ पर फोटो के साथ। यहाँ पर लाइक भी कर सकता हूँ मैं इसको, और सब कुछ जो है यहाँ पर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप फोटो से जो है रील्स वीडियो बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर और गाना के साथ जो है ये बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सीखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से हम अपने फोटो से जो है रील्स वीडियो बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर सॉन्ग लगा के। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका जो सोल्यूशन आपको जरूर बताऊँगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक नए वीडियो पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद।